अस्सलाम वालेकुम अजीज साहबात, साले दोम एफएससी प्री मेडिकल सेक्शन ए। आज का हमारा लेक्चर मौलाना जफर अली खान की लिखी हुई नज़्म हम्द, उसकी तफहीम व तशरीह है। वो नज़्म जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की जाए हम्द कहलाती है। मौलाना जफर अली खान बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना कर रहे हैं। अल्लाह ताला की सफ़ात को हमारे सामने इस नस में उन्होंने बयान किया है। मौलाना जफर अली खान की तारीख़ पैदाइश वफ़ात आप देख लीजिएगा, 1873 से ले के 1956। शेर नंबर एक है, पहुंचता है हर एक में कश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। मेकश कैसे हैं शराब पीने वाले को, दौरे जाम, जाम का शराब का प्याले का दौर या शराब का प्याला, तिश्नाला प्यासा। शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक है, उसकी रहमत का प्याला हर इंसान के आगे पहुंचता है और वो किसी को भी प्यासा नहीं रखता, उसका लुत्फ आम सबके लिए है। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, उसकी रहमतें तमाम इंसानों के लिए बराबर हैं, वो अपनी रहमत से तमाम इंसानों को नवाजता है और नवाजता ही चला जाता है। उसका दौरे जाम हर मे कश तक पहुंचता है और वो किसी को भी प्यासा नहीं रखता। इससे मुराद ये है कि अल्लाह की रहमत बेहदो बेहिसाब है, वो रहम करने वाला है, अपना फजलो करम तमाम इंसानों पे निछावर करने वाला है। उसके रहमो रहम की और फजलो करम की कोई हद नहीं, उसका फैजाम है जो कि सब तक पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इंसानों पर अपना रहम करता है, फजलो करम करता है, मुसीबत में अपने बंदों की मदद करता है। कभी भी ये नहीं होता कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे और वो उसे नवासे ना, बल्कि अल्लाह ताला तो बगैर मांगे भी नवाजता चला जाता है। वल्लाहु खैरु राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो हमें देता है और बेपनाह देता है, और उसकी नवाजिश उसकी अनायात बेपनाह है। अल्लाह ताला अपनी रहमत हम पे बरसाता चला जाता है। एक शायर ने इस कैफियत को बयान किया है, वो गनी है कि है मोहताज जमाना उसका, कभी खाली नहीं होता है खजाना उसका। अल्लाह ताला वो अजीम तरीन हस्ती है जो कि अपनी रहमत से सभी को नवाजता चला जाता है। शेर नंबर दो की तरफ आप आएंगे, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे जात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। उसकी दाते मुबारका उसके वाहिद होने की गवाही दे रही है, दुई यानी दो, शिर्क, शिर्क के सब नक्श छूटे हैं और सच्चा एक उसी का नाम है। मौलाना जफर अली खान बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत उसकी ज़ात मुबारक अपनी ज़ात की गवाही खुद देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक वो ज़ात है जो कि अपनी वहदत की, अपने वाहिद होने की गवाही खुद देती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत सूरह इखलास जिसमें वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो वाहिद 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 है, यकता है। उस सूरत का एक एक लफ्ज इस बात का आकाश है कि अल्लाह ताला का शरीक कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह ताला वो ज़ाते मुबारका है जिसके सामने हर दुई का नक्श छूटा है और सच्चा एक उसी का नाम है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो के वाहिद है, जो के एक है। जमाने में सब कुछ है ला शरीक, वही है, वो है, वही वहदहू ला शरीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ज़ाते मुबारका है
जिसका कोई शरीक नहीं है, जो शिर्क से पाक है, उसी का नाम सच्चा है, वो सारे जहानों का मालिक है और कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक उसी का डंका चलता है, उसी का हुक्म है जो के पूरी कायनात पे चल रहा है और सारी दुनिया उसी के हुक्म की मोहताज है। कामिल है जो अजल से, वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक, वो है जमाल तेरा। शेर नंबर 3 की तफीमो तशरी की तरफ आइएगा। हर एक जर्रा फजा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक छौंका हवा का आके देता है प्याम उसका। फजा का हर जर्रा उसी की दास्तान सुनाता है और चलने वाली हवा का हर छौंका उसी का पैगाम देता है। मौलाना जफर अली खान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी को मुख्तलिफ चीज़ों से हमारे सामने वाज़े कर रहे हैं। इस शेर में बयान करते हैं कि फ़ज़ा का हर एक ज़र्रा और हवा का हर झोंका हमें यह पैगाम देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला ही है जो कि कायनात की एक एक चीज़ में मौजूद है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। मौलाना जफर अली खान कहते हैं कि फ़ज़ा का हर ज़र्रा उसी की दास्तान सुनाता है और हवा का हर झोंका भी उसी का पैगाम देता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हर शय पर उसकी हुक्मरानी है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके होने का सबूत है। हवा का चलना इस बात का आकाश के कायनात में एक अजीमुशान हस्ती मौजूद है और दुनिया का मामूली से मामूली काम भी उसी की मर्जी का मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इंसानों के लिए, अपने बंदों के लिए बेपनाह रहीम है और कायनात की एक एक चीज़ इस बात की अकास है कि वो वाहिद हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जो कायनात के निज़ाम को इंतहाई आला अंदाज में चला रही है। बकौल शायर, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों में बेनिशान तू है। नेक्स्ट शेर पे आप आ जाइएगा। सरापा मासीयत मैं हूँ, सरापा मगफिरत वो है, खता पोशी रविश मेरी, खता पोशी है काम उसका। मैं सरापा मासीयत हूँ जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकसर से पाँव तक मगफिरत देने वाले हैं, यानी मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला बख्श देने वाले हैं। मेरा रास्ता खताएं करते चले जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम मेरी खताओं की पर्दापोशी है। शायर इस शेर में बयान करते हैं एक आजिज़ बंदे की आजज़ी को। शायर कहते हैं कि मेरा काम एक ही है कि मैं गुनाह करता चला जाता हूँ, जबकि अल्लाह ताला दिन रात मुझे बख्शने वाले हैं, वो बख्शते चले जाते हैं, गफूर और रहीम हैं, मेरी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, जबकि मैं हर लम्हा हर घड़ी अपने रब के हजूर गुनाहों के साथ पेश होता रहता हूँ और अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को माफ़ करता चला जाता है। मेरा तरीक़ेकार गुनाह करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ेकार मुझे बख्शना, तमाम इंसानों को बख्श देना है। एक और शायर ने इसी कैफियत को बयान किया है। सर्द हो गए जहन्नुम के शोले, गुनाहगार जब मुनफाइल हो गया, यानी जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने गुनाहों पे आंसू बहाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत हमारे इन गुनाहों को माफ़ कर देती है। वरहमती वसीयती कुल्ली शय, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इंतहाई वसी व अरीस है, वो अपने बंदों के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है और जब इंसान अल्लाह के हजूर रोता है, माफ़ी मांगता है, तो जहन्नम के शोले भी सर्द हो जाते हैं। नेक्स्ट शेर है जी, मेरी उस्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। उस्तादगी गिरने को कहते हैं। मेरी उस्तादगी यानी मेरा गिरना मेरे हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत थी कि मैंने गिरते गिरते भी अपने रब का दामन ही थामा है। अगर इंसान को ठोकर ना लगे और वो अपने रब से दूर होता चला जाए तो उसका इख्तिताम जहन्नुम है।
जबकि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो उसे मुंह के बल दुनिया में ही गिरा के ये समझा देता है कि लौट आओ। और अल्लाह ताला का गिरते हुओं को थाम लेना दर हकीकत उसकी रहमत की दलील है। अल्लाह ताला अपने इंसान को, बंदे को जगह जगह से जब ठोकरें खाते हुए देखता है तो उसका दामन जब अल्लाह ताला थाम लेता है तो वो मुकम्मल तौर पे उसे गिरने से बचा लेता है, उसे जहन्नुम की आग से दूर कर देता है। इंसान को इस बात का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो दोबारा से अपने रब की रहमत की तरफ आ जाता है। अल्लाह ताला की रहमत बेपनाह, लेकिन उसकी रहमत उसी को मिलती है जो तौबा की तरफ आता है। तेरा करम भी तो है बेहिसाब ए गफ्फार, मेरे गुनाह नहीं घर शुमार के काबिल। अल्लाह ताला ही है जो के हमारे लिए अपने दिल में अपने पास बेपनाह वसत रखता है, हमें बख्शता है, हमें आसानी देता है और हमारी पशेमानी जो है वो हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। नेक्स्ट शेर है जी, हुई खत्म उसकी हुज्जत इस जमीन के बसने वालों पर के पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। उसकी हुज्जत यानी दलील इस जमीन के बसने वालों पर मुकम्मल हो गए क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन मुबारक तमाम इंसानों तक पहुंचा दिया। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम जिसे अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया और अपने कलाम को, अपनी दलील को मुकम्मल कर दिया। कुरान पाक की आयत मुबारक जो के नजूली लिहाज से आखिरी आयत थी जिसमें अल्लाह ताला ने यह वादे फरमा दिया था कि आज दीन मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वअतममतु अलैकुम नीमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी रहमत पूरी कर दी और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब ये अल्लाह ताला का एक इतनी बड़ी वो नेमत थी जो कि अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम इंसानों तक पहुंचा दी, यानी कुरान पाक जो कि रहती दुनिया तक हदायत का जरिया है जो कि हमारे प्यारे नबी लेकर आए और हमें उसका एक एक लफ्ज अपनी ज़ात मुबारक के जरिए से समझा दिया। हदायत के लिए दुनिया की खतमुल मुरसलीन आए, किताब रुश्द लेकर रहमतुल लिल आलमीन आए। यह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कलाम को हम तक पहुंचाया और अल्लाह ताला की नेमत को पूरा कर दिया और दीन इस्लाम वो दीन जो कि ताक़यामत हमारे लिए बख्शिश, आसानी और भलाई का जरिया रहेगा। आखिरी शेर है जी हम का, बुझाते ही रहे फूकों से काफिर उसको रह रहकर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। काफिर फूकों के जरिए से इस रोशन दलील को, इस रोशन चिराग को बुझाते रहे, मगर नूर जो था वो अपनी मुकर्रा मुद्दत पूरी करके ही मुकम्मल हुआ। शायर कहते हैं कि काफरों का काम जो था वो एक ही था कि वो अल्लाह ताला के नूर को बुझा दें, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि अल्लाह ताला का ये वादा था कि वो अपने दीन को हर तरफ फैलाकर ही छोड़ेगा। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदासन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। काफरों ने हर मुमकिन कोशिश की कि दीन इस्लाम दुनिया में ना फैले, अल्लाह ताला का नाम दुनिया में आम ना हो, मगर उनकी हर कोशिश शायगा गई। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला का नूर अपने वक्त पर मुकम्मल होकर रहा, यानी ये वो नूर है जिसकी रोशनी पूरे आलम पर फैल गई और दीन इस्लाम गालिब होकर रहा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से दीन इस्लाम को फैलाया, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी इस दुनिया के दरबारों में। ये वो शम्मा थी जिसने पूरी दुनिया में फैलना था और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का हुस्ने सलूक था
उनका अपनी उम्मत के लिए दिन रात रोना था, उनका अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के हजूर गड़गड़ा के दुआ करना था, जिसका नतीजा ये है कि दीन इस्लाम हर तरफ फैल गया और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहती दुनिया तक अपने प्यारे नबी के पैगाम को पहुंचाने के लिए मौजूद है। अब आप इस ये नज़्म हमारी मुकम्मल हुई, हफ्सियात वो किताब वो माखज़ जहाँ से ये नज़्म ली गई। अब इसके खुलासे की तरफ हम आते हैं। मौलाना ज़फ़र अली खान बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, उसकी रहमत तमाम इंसानों तक पहुँचती है। कायनात का एक एक ज़र्रा, हवा का हर झोंका अल्लाह ताला की यकताई को बयान करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरापा मासियत इंसानों को बख्शता है, गिरते हुओं को थाम लेता है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को तमाम दुनिया तक पहुंचा दिया। कल इंशाल्लाह आप लोगों से इस नज़्म की तशरीह सुनी जाएगी, खुलासा सुना जाएगा, आप इसको मुकम्मल तौर पे तैयार करेंगे, अटेंडेंस की तरफ आ जाइए, और इसके साथ साथ जो इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं आप उसे पूछ सकते हैं।